श्री रामपुर नाम के गांव में मोना नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी रमेश एक बड़े कंपनी में काम किया करते थे और माँ सुशीला घर की बागडोर संभाला करती थी। मोना को आइसक्रीम खाना बहुत ही पसंद था, इसीलिए उसके माता पिता हमेशा परेशान रहा करते थे। एक दिन मोना के लिए संजय नाम के लड़के का रिश्ता आता है। लड़का पढ़ा लिखा होने के साथ साथ गुणी और सुशील भी था। संजय अपनी माँ शारदा के साथ मोना को देखने आता है, तभी रमेश जी, आइए आइए बैठिए। नमस्ते, आइए ना बहन जी। नमस्ते सुशीला जी, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी नहीं, हमें आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। सुशीला बहन, लड़की को बुलाइए ना, मैं तो लड़की को देखने के लिए कब से बेताब हूँ। जी शारदा जी, अभी बुलाती हूँ, ऐसा कहकर सुशीला मोना को आवाज देती है। मोना, बेटी मोना। जैसे ही मोना बाहर आती है, सभी उसकी ओर देखने लगते हैं। मोना दिखने में बहुत खूबसूरत थी। संजय मोना को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। उसे मोना बहुत पसंद आती है। मोना सबके सामने आकर चाय नाश्ता देती है और उनके सामने बैठ जाती है। उसे देख शारदा, बेटी यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। मोना शारदा के पास बैठ जाती है। शारदा मोना से कुछ बातें करती है, तभी घर वाले मोना और संजय को अकेले बात करने के लिए भेज देते हैं। संजय मोना से, जी आपको क्या काम करने में रुचि है? वैसे तो मैं सभी काम करती हूँ, मगर मेरा सबसे फेवरेट काम है ऑफिस का काम। मुझे ऑफिस का काम करना बहुत अच्छा लगता है। और आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में तो आइसक्रीम बहुत पसंद है, मैं सुबह शाम आइसक्रीम खा सकती हूँ। अच्छा, आइसक्रीम आपको इतनी पसंद है? जी। संजय और मोना थोड़ी देर के लिए बातें करते हैं और नीचे आते हैं। तभी सुशीला मोना से, बिटिया तुम्हें लड़का पसंद तो है ना? मोना शर्माकर वहाँ से चली जाती है। तभी शारदा अपने बेटे संजय से, तुम्हें लड़की पसंद है संजय? हाँ माँ। संजय के हाँ कहते ही सुशीला सभी का मुंह मीठा करती है। कुछ ही दिनों बाद संजय और मोना की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब सही चल रहा था, मगर मोना की आइसक्रीम खाने की आदत ससुराल में नहीं छूट पाई थी। ये देख शारदा चिंतित रहने लगी। शारदा एक दिन मोना से, अरे बहू थोड़ा आइसक्रीम कम खाया करो, हमारे घर में दूसरा भी कुछ खाने के लिए बनता है, उसे खाया करो। सासू माँ, आइसक्रीम से ज्यादा अच्छी चीज तो इस दुनिया में है ही नहीं, मैं हर रोज आइसक्रीम खा सकती हूँ। हाँ वो तो दिखता है, मगर तुम्हें पता भी है इसे खाने से क्या क्या नुकसान होते हैं? सासू माँ, इसके नुकसान के बारे में क्यों सोचती हो आप? ये सोचिए ना, बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है जिसे कितना भी खाओ मन ही नहीं भरता। बहू जब तुम्हें जुकाम, मोटापा या फिर सिर दर्द होगा ना, तब पता चलेगा। जबकि तब देखेंगे सासू माँ, मैं तो इस दुनिया में आइसक्रीम खाने के लिए ही आई हूँ, मैं तो हर रोज आइसक्रीम खाऊंगी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, जाने दो मैं मेरा काम करती हूँ। शारदा वहाँ से चली जाती है। शारदा बेचारी आए दिन अपने बहू को बहुत समझाती है, मगर मोना उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती और अपनी सास की बातें टाल देती थी। उस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था। वक्त बीतते जाता है, धीरे धीरे मोना के दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, मगर मोना उस बात पर ध्यान ही नहीं देती और आइसक्रीम खाती रहती है। धीरे धीरे उसका वजन बहुत बढ़ जाता है। उसका बढ़ता हुआ वजन देख संजय एक दिन मोना से, अरे मोना जरा खुद की ओर तो देखो, कितनी मोटी लग रही हो तुम। संजय जी, आप और आपकी मम्मी हमेशा मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। मैं इतनी सी मोटी क्या हो गई? आप तो मुझे बहुत बोलने लगे हैं। मैं तो हर रोज आइसक्रीम खाऊंगी। मोना तुम्हें आइसक्रीम खाना थोड़ा कम कर दो, नहीं तो तुम्हें शुगर और हार्ट की बीमारी हो जाएगी। आप खामखा ही इतना डर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे मोना मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ ना। आप मेरी टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जी। संजय ऑफिस के लिए निकल जाता है। मोना दोपहर के समय आइसक्रीम खाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी उसे अचानक से चक्कर आ गए और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सास मोना को इस हालत में देखकर बहुत डर जाती है। वो जल्दी से संजय को फोन करती है और खुद मोना को उठाकर अस्पताल में लेकर चली जाती है। थोड़ी ही देर में संजय अस्पताल में पहुँच जाता है। डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल करके उसके कुछ टेस्ट करते हैं।
उस टेस्ट में डॉक्टर को मोना का शुगर लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ये देख डॉक्टर बाहर आते हैं। तभी संजय डॉक्टर से, क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? जी, उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है, इसलिए उनको चक्कर आ रहे है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू हर रोज आइसक्रीम खाती है, और यूँ कहिए ना कि उसे आइसक्रीम के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शायद इनके आइसक्रीम की आदत ही इनकी शुगर लेवल बढ़ने का कारण है। अगर आप उन्हें सही सलामत चाहते हैं, तो आपको उनकी ये आदत छुड़वानी होगी। जी डॉक्टर, मैं उसे कभी भी आइसक्रीम खाने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर संजय मोना से मिलने के लिए उसके कमरे में चला जाता है। संजय कमरे में जाते ही मोना से, मोना तुम्हें अभी भी आइसक्रीम खानी है तो बताओ मुझे, मैं अभी आइसक्रीम लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। कौन सी लाऊं बताओ जरा, वेनिला लाऊं, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच? हाँ, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या कहा डॉक्टर ने? तुम्हारी ज्यादा आइसक्रीम खाने की वजह से तुम्हें शुगर की बीमारी हो गई है, और अब तुम आइसक्रीम तो क्या मीठा तक नहीं खा सकती। क्या? संजय की बात सुनकर मोना जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना देख संजय मोना से, मोना अब रोने से कोई फायदा नहीं है, हमने तुम्हें कितना समझाया मगर तुमने हमारी एक ना सुनी। मैं इस बात को लेकर नहीं रो रही। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? मैं आइसक्रीम नहीं खा सकूंगी इसलिए रो रही हूँ। हे भगवान, क्या करूँ मैं तुम्हारा। ऐसा कहकर संजय मोना के साथ घर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। मोना आइसक्रीम खाने की आदत छोड़ने की बहुत कोशिश करती है। उसके साथ ही वो प्राणायाम और डेली एक्सरसाइज भी करने लगती है। उससे उसका शुगर लेवल कम होने में मदद होती है। साथ ही साथ मोना का मोटापा कम हो रहा है, ये देख घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन उसे पता चलता है कि वो संजय के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो संजय से, संजय जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ कहो मोना, क्या बात है? संजय जी, आप पापा बनने वाले हो और मैं माँ बनने वाली हूँ। मोना, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं तो आज ऑफिस में मिठाई बांटूंगा। माँ, माँ। संजय ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाता है। उनके घर में जैसे खुशहाली छा जाती है। ऐसे ही 7 महीने बीत जाते हैं। एक दिन संजय मोना के साथ एक शादी में चला जाता है। वहाँ से लौटते समय उनके कार का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उन दोनों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहाँ संजय को जल्दी होश आ जाता है, मगर मोना को होश ही नहीं आता। उसकी शुगर की बीमारी की वजह से उसकी कंडीशन क्रिटिकल बन जाती है। तभी संजय डॉक्टर से, डॉक्टर, मोना की तबीयत कैसी है अभी? उनकी तबीयत तो थोड़ी क्रिटिकल ही है, वो प्रेग्नेंट होने के कारण उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, और शुगर की वजह से उनकी ब्लीडिंग थमने का नाम ही नहीं ले रही। डॉक्टर साहब, आप कुछ कीजिए, मेरी बीवी और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। संजय जी, हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगता है हमें उनकी प्रीमैच्योर डिलीवरी करनी होगी, आपका साइन लगेगा हमें। जी डॉक्टर साहब, अभी करता हूँ। ऐसा कहकर डॉक्टर उनके सामने पेपर रख देते हैं, और संजय जल्दी से उन पेपर्स पर साइन कर देता है, और डॉक्टर मोना की प्रीमैच्योर डिलीवरी कर देते हैं। तभी मोना की सास शारदा अस्पताल में आ जाती है। पूरे 2 घंटे के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और संजय से, मुबारक हो संजय जी, आपको बेटी हुई है, माँ और बच्ची दोनों सही सलामत है। बच्ची अभी कम महीने की होने के कारण हमने उसे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ समझ में नहीं आ रहा। अब आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी संजय और शारदा मोना के पास चले जाते हैं। दोनों को देख मोना बहुत खुश हो जाती है। तभी शारदा मोना से, बहू तुम माँ बन गई हो और मैं दादी बन गई हूँ। मोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख शारदा मोना से, आज के बाद बिल्कुल नहीं रोना, समझी? माँ जी, मेरी वजह से मेरी बच्ची आज इस मुसीबत का सामना कर रही है। मैं आज के बाद आप सबकी बातें मानूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा। अरे बहू, छोटी छोटी बातें तो वही भूल जानी अच्छी होती है। मैं तो कब की भूल गई, और तुम भी जल्दी से घर आ जाओ, समझी? हाँ माँ जी। कुछ दिनों बाद मोना अपने बच्ची को लेकर घर आ जाती है। सब घर के सदस्य मिलकर नन्ही परी का स्वागत करते हैं। उस दिन से मोना अपने परी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। साथ में ही मोना अपनी आइसक्रीम खाने की आदत को त्याग देती है और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ बातें बड़ों के मानकर अपने जीवन का भला हो सकता है। कौन सी भी चीज ज्यादा मात्रा में खाने से
अपने शरीर को हानि हो सकती है, इसीलिए कोई भी चीज एक लिमिट तक ही खानी चाहिए। केशवपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक दर्जी रहा करता था। उस गांव में वो अकेला ही दर्जी होने के कारण सभी लोग उसके पास ही कपड़े सिलाने के लिए आते थे। राघव का व्यापार अच्छी तरह से चल रहा था। उसे दारू पीने की लत होने के कारण कभी कभी वो कपड़े आड़े टेढ़े सिला देता था, लेकिन उसके अलावा कोई भी दर्जी ना होने के कारण लोग उसी से कपड़े सिलवाते थे। जब भी ग्राहक उसके पास कंप्लेंट लेकर आते तो राघव हमेशा उन्हें टाल देता। एक दिन शंकर नाम का आदमी एक टाइट सा कमीज पहनकर आया और राघव से, अरे राघव, ये कमीज कितना टाइट सिलाया है तुमने। अरे भाई, कमीज तो मैंने बराबर ही सिलवाया है। जब नाप लिया था तब तुम कितने पतले थे, अब देखो कितने मोटे हो गए हो। अब मैं इसका क्या करूं? मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जाओ यहाँ से। शंकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन और एक आदमी बहुत ही ढीला कमीज पहनकर राघव की दुकान पर आया और राघव से, राघव, तुमने मेरा कमीज देखो कितना ढीला सिलवाया है। अरे भाई, जब मैंने तुम्हारा नाप लिया था तो सही लिया था, अब तुम दुबले पतले हो गए हो तो इसमें मेरी क्या गलती। अब जाइए भाई साहब यहाँ से। राघव आने वाले हर ग्राहक को कुछ न कुछ कहा करता था। एक दिन गांव में एक औरत बैलगाड़ी पर अपनी सिलाई मशीन और कुछ सामान लेकर आई। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। वो औरत गांव में आकर राघव के पास जाती है और राघव से, भैया, मेरा नाम राधा है। मेरे पति एक दर्जी थे, उनसे मैंने सिलाई का काम सीखा था। मेरे पति का कुछ दिनों पहले ही निधन हो गया है। बीमारी की वजह से हमें हमारी पूरी जायदाद बेचनी पड़ी। मैं काम की तलाश में यहाँ आई हूँ। मुझे सिलाई का काम आता है और मैं भी आप ही की तरह टेलरिंग का काम शुरू करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका कोई नुकसान हो। आप मुझे काम पर रख लीजिए। आप जितनी भी चाहे उतनी तनख्वाह मुझे दे सकते हैं। ना मत कहिए। अरे बहन जी, आप मुझे बता रही हो या धमका रही हो? आपको काम पर रखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें दुकान खोलना है तो खोल लो, मगर याद रखना, औरत के पास कोई कपड़े सिलवाने नहीं आता। कोई भी कैंची पकड़ लेता है और खुद को दर्जी समझने लगता है। राधा वहां से अपने बच्चे के साथ चली गई। उसी दिन से राधा ने एक पेड़ के नीचे ही अपना दर्जी का काम शुरू कर दिया। उसके पास शुरू में कोई गांव वाला नहीं जाता था। ये देख राघव उस पर हंसता था। एक बार एक औरत उसे कपड़े सीने को दे गई। राधा ने उन कपड़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से सिया। उस औरत ने कपड़े देख, तुमने ये कपड़े बहुत अच्छे सिए हैं। मैं अपने गली में सबको बताऊंगी तुम्हारे बारे में, ताकि सब तुम्हारे पास कपड़े सिलाने के लिए लाए। जी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद कई औरतें राधा के पास कपड़े सिलाने के लिए आया करती थी। बाद में आदमी लोग भी उसके पास कपड़े सिलाने के लिए आया करते थे। एक दिन श्याम नाम का आदमी, राधा बहन, तुम एक स्त्री होकर भी कितने अच्छे आदमियों के कपड़े सिलाती हो, और एक वो राघव है, निठल्ला कहीं का। राघव वही खड़ा होने के कारण उसने वो सारी बातें सुन ली और उसे बहुत गुस्सा आया। थोड़े ही दिनों में राधा ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर एक दुकान भी खरीद ली और उसमें वो कपड़े सीने लगी। राधा का धंधा भी अच्छा चल पड़ा। राधा अपने ग्राहकों को अच्छी तरह से कपड़े सिलवा के दिया करती थी। उसके विपरीत राघव की दुकान चलना ही बंद हो गया था। उसके ग्राहक तो जैसे आना ही बंद हो गया था। इसी वजह से वो राधा पर बहुत ही जलने लगा था। एक दिन बड़े घर का नौकर आकर राधा से, बहन जी, कपड़े सिलाने वाली राधा आप ही हो? हाँ भैया, मैं ही हूँ। क्या काम था? बहन जी, मालिक ने आपको उनके घर के सबके कपड़े सिलवाने का काम दिया है। आपको घर आकर सबका नाप लेकर जाना पड़ेगा। जी, मैं जरूर आऊंगी। मुझे घर का पता दे दीजिए। बहन जी, आपको मेहता हाउस में आना है। ठीक है भैया, मैं कल आ जाऊंगी। राधा के हाँ कहते ही नौकर वहाँ से चला गया और राधा अपने दुकान में काम में व्यस्त हो गई। ये सब बातें दूर खड़ा राघव सुन रहा था। वो मन ही मन, इस राधा को मैंने काम पर न रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मेरे पास कोई कपड़े सिलाने नहीं आता, और इसके पास देखो, एक के बाद एक ऑर्डर आ रहे हैं। इसके दुकान का मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। राघव वहाँ से चला जाता है। तभी राघव की पत्नी शीला वहाँ आकर, राधा बहन, मैं राघव की पत्नी हूँ। जब से तुम इस गाँव में आई हो,
मेरे पति का तो धंधा जैसे बंद ही हो गया है, एक दिन भी हमारी अच्छे से कमाई नहीं हुई। मैंने उन्हें कहा था कि मैं उनके यहाँ काम करती हूँ, मगर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उनसे गलती हो गई राधा बहन, तुम मेरी एक बात मानोगी? हाँ बताओ ना। मेरे पास ये 50,000 रुपये बचे है, इसे लेकर तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा कहकर शीला हाथ जोड़कर रोने लगी। शीला बहन, तुम हाथ मत जोड़ो, मैं ये पैसे लेना तो नहीं चाहती थी, मगर मेरी भी मजबूरी है। मैंने बहुत कठिनाइयों के बाद ये दुकान शुरू की है, अगर मुझे दूसरे गांव जाना है तो मुझे ये पैसे लेने ही होंगे, जिससे मैं दूसरे गांव जाकर अपनी खुद की दुकान शुरू कर पाऊँ। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही ये गांव छोड़ के जाऊँगी। राधा ने शीला के हाथों में दुकान की चाबियाँ दे दी और राधा अपने बेटे के साथ दूसरे गांव चली जाती है। शीला और राधा के बीच की बात राघव को पता ना होने के कारण राघव रात के समय शराब के नशे में धुत राधा की दुकान के पास चला आता है। उसके हाथ में रॉकेल की कैन होती है, वो नशे की हालत में सारी दुकान पर रॉकेल छिड़क कर आग लगा देता है और मजे से देखने लगता है। दुकान धू धू करके जलने लगा था। ये देख गांव वाले और शीला भी वहां पहुंच जाते हैं। आग की लपटें इतनी बढ़ चुकी थी कि पूरा दुकान तहस नहस हो गया था। हाय, लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे मैंने बचाए हुए 50,000 रुपये से ये दुकान खरीद लिया था और आपने ही इसे जला डाला, अब हम क्या करेंगे? शीला की सारी बातें सुनकर राघव दंग रह गया। जब उसे सारी बातें पता चली तो उसने अपना माथा पीट लिया। वहाँ खड़े सभी लोगों के समझ में आ गया था कि सारी करी धरी राघव की ही है। फिर लोगों ने राघव को पकड़कर खूब पीटा। इधर राधा दूसरे गांव जाकर कपड़े सिलाकर अपना जीवन अच्छी तरह से बिताने लगी थी। राधा ने एक नई उम्मीद के साथ अपना नया व्यवसाय शुरू किया और लालच के कारण राघव को अपनी दुकान गंवानी पड़ी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईर्ष्या और लोभ करने के कारण हम हमेशा अपना ही नुकसान कर देते हैं। इसीलिए जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। किसी एक गांव में सुधा नाम की महिला रहा करती थी। उसको दो बच्चे थे, सूरज और श्रावणी। एक रोड हादसे में सुधा के पति की मौत हो जाने के कारण पूरे परिवार की जिम्मेदारी सुधा पर आ गई थी। सुधा ज्यादा पढ़ी लिखी ना होने के कारण उसने रोटी बेचने का व्यापार शुरू किया। सुधा ने बनाई हुई रोटियां बहुत ही स्वादिष्ट और मुलायम हुआ करती थी। वो कभी भी लाभ की अपेक्षा ना करते हुए कम दामों में रोटियां बनाकर बेचा करती थी। सूरज और श्रावणी स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। अपना होमवर्क पूरा होने के बाद वो अपनी माँ की मदद भी कर दिया करते थे। सूरज और श्रावणी के स्कूल के सामने ही एक नया पिज्ज़ा सेंटर खुला। पिज्ज़ा सेंटर वालों ने अपने खुद के पैम्पलेट भी छापे और गाँव भर में बांटे। उससे पिज्ज़ा सेंटर का अच्छा प्रचार होने लगा। गांव में पहला पिज्ज़ा सेंटर होने के कारण लोग वहां पिज्ज़ा खाने के लिए भीड़ कर रहे थे। पिज्ज़ा खाने की चाहत और उसका लुभावना चित्र देखकर लोग आकर्षित होने लगे। लोग लाइन में खड़े रहकर पिज्ज़ा लेने लगे। तभी एक दिन स्कूल में श्रावणी की दोस्त सोना अपने दोस्तों को एक जगह बुलाकर बताती है, तुम्हें पता है कल मेरे पिताजी मुझे नया पिज्ज़ा सेंटर खुला है वहां लेकर गए थे। वहाँ इतना स्वादिष्ट और टेस्टी पिज्ज़ा मिलता है और वैरायटी तो इतनी होती है कि हम जल्दी चूज ही नहीं कर पाते। वो पिज्ज़ा सेंटर हमारे गांव में खुला, ये हमारी खुशनसीबी है। हाँ सोना, तुम सही कह रही हो, मैं भी कल मेरे माँ के साथ पिज्ज़ा सेंटर जाऊँगा। एक बार तुम सब भी पिज्ज़ा सेंटर जाकर जरूर आओ। ऐसा कहकर सोना वहाँ से चली जाती है। सोना की बात सुन श्रावणी घर आकर अपनी माँ से, माँ मेरी दोस्त सोना का परिवार उस पिज्जा सेंटर में पिज्जा खाने के लिए गया था। सोना कहती है कि वहाँ का पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप हमें कहीं नहीं लेकर जाती हो माँ, हमें भी पिज्जा खाना है, प्लीज माँ। और किसी दिन हम जाएंगे बेटी। सुधा ने समझा बुझा कर श्रावणी को शांत किया। श्रावणी ये सारी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और सुधा सूरज से, देखो सूरज, सोनी छोटी बच्ची है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसके दोस्तों की बातें सुनकर पिज्ज़ा खाने की जिद कर रही है, मगर तुम्हें तो हमारे घर के हालात पता है ना? रोटियां बेचने से ही तो हमारा घर चलता है और पिज्ज़ा बहुत महंगा होता है जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तुम श्रावणी को समझाओ बेटा।
ठीक है माँ। ऐसा कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। थोड़े दिनों बाद सूरज का क्लासमेट रोहन का बर्थडे आया तो रोहन स्कूल में सबको पिज्ज़ा पार्टी देने लगा। उस दिन उसने पिज्ज़ा सूरज और श्रावणी को नहीं दिया। सूरज रोहन के पास आकर, रोहन तुम मुझे पिज्ज़ा नहीं दोगे तो भी चलेगा, मगर मेरे बहन को सिर्फ थोड़ा सा दे दो, बेचारे को बहुत दिनों से पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा था। सूरज की बातें सुन रोहन, तुम जैसे भिखारियों को देने के लिए क्या तुम्हारे माँ के हाथ की रोटियां समझ रहे हो? ये पिज्ज़ा है पिज्ज़ा, इसे खाने के लिए नसीब होना चाहिए, समझे? चलो निकलो यहाँ से। ऐसा कहकर रोहन वहाँ से चला गया। सूरज और श्रावणी भी घर वापस आ गए। तभी श्रावणी अपनी माँ से, माँ आज हमारे स्कूल में सबने पिज्जा खाया मगर रोहन ने हम दोनों को ही पिज्जा नहीं दिया। आज अगर आपने मुझे पिज्जा नहीं दिया तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। श्रावणी रोते रोते अंदर कमरे में चली जाती है। तभी सुधा वहाँ खड़े खड़े सोचने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उसने घर में बनाई हुई रोटी के ऊपर चीज, पनीर और सब्जियां डालकर एक रोटी पिज्जा बनाया जो कि दुकान के बाहर लगाए हुए चित्र के समान ही था। और श्रावणी को बुलाकर सुधा, श्रावणी बेटी देखो मैंने तुम्हारे लिए पिज्जा बनाया है, जरा खाकर देखो। मुझे ये बकवास रोटी पिज्जा नहीं चाहिए, मुझे पिज्जा सेंटर का पिज्जा ही चाहिए। मैं तुम्हें कल किसी भी हालत में पिज्जा खिलाऊंगी बेटी, आज के लिए तुम इसे ही खा लो, बहुत रात हो चुकी है। मुझे ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ऐसा कहकर श्रावणी वहाँ से चली गई और श्रावणी भूखे पेट ही सो गई। भूखे पेट सोने के कारण उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी आधी रात को उठकर श्रावणी रोटी पिज्जा खाने लगी। सुधा यह सब दूर खड़ी रहकर देख रही थी और मन ही मन खुश हो गई। अगले दिन सुधा सूरज को अपने पास बुलाती है और उसे पैसे देकर, ये लो पैसे, स्कूल से घर आते समय इन पैसों से तुम दोनों के लिए पिज्जा खरीद कर लाना। माँ ये पैसे कहाँ से आए, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे ना? अपनी पड़ोसी मधु आंटी है ना, उनसे उधार लिए थे, थोड़े थोड़े करके चुकता कर दूंगी। श्रावणी पैसे मिलने की वजह से बहुत खुश हो गई। सूरज के साथ श्रावणी स्कूल चली जाती है। स्कूल खत्म हो जाने के बाद सूरज श्रावणी को लेकर पिज्जा सेंटर चला जाता है। वहाँ जाते ही सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक कर, ए, तुम अंदर नहीं जा सकते। हम अंदर क्यों नहीं जा सकते, हमारे पास तो पैसे है ना? हमारे बॉस ने तुम जैसे को अंदर छोड़ने का ऑर्डर नहीं दिया है। ये सुन श्रावणी रोने लगती है। ठीक है अंकल, हम यही खड़े रहते हैं, बस आप अंदर जाकर हमारे लिए इन पैसों से पिज्जा लेकर आइए। सूरज की बात सिक्योरिटी गार्ड को ठीक लगी और उसने सूरज से पैसे लेकर पिज्जा काउंटर से पिज्जा लाकर दिया। दोनों खुशी से घर आए। घर आते ही श्रावणी बड़ी खुशी से, चलो भैया अब हम पिज्जा खाते हैं। ये लो। श्रावणी ने उसमें से एक स्लाइस निकालकर जल्दी से खा लिया और बॉक्स सूरज के सामने रख दिया। सूरज ने भी पिज्जा का एक स्लाइस उठाकर खा लिया। वो चुपचाप एक दूसरे की ओर देख ही रहे थे। तभी सुधा वहाँ आकर, बच्चों पिज्जा पसंद आया? माँ इस पिज्जा से अच्छा तो तुम्हारा बनाया हुआ रोटी पिज्जा अच्छा है माँ। हाँ माँ ये सूखी हुई रोटी की तरह लग रहा है, कल आपने बनाया हुआ रोटी पिज्जा तो बहुत ही अच्छा था माँ। मगर तुमने तो कल कोई रोटी पिज्जा खाया ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता? हाँ ये सुनकर श्रावणी, वो माँ वो। ऐसा कहते ही सुधा जोर जोर से हंसने लगी। तभी सूरज अपनी माँ से, माँ क्या आप मुझे और मेरे दोस्तों के लिए रोटी पिज्जा बना कर दोगी? मैं कल तुम दोनों को रोटी पिज्जा बना कर दूंगी। अगले दिन सूरज और श्रावणी अपने टिफिन में रोटी पिज्जा लेकर गए। लंच टाइम में अपने दोस्तों को रोटी पिज्जा खिलाया। उतने में रोहन वहाँ आ जाता है। रोहन सूरज से, तुम रोटी बेचने वाले हो, इससे ज्यादा तुम क्या ला सकते हो? ये ऐसा वैसा पिज्जा नहीं है, ये रोटी पिज्जा है, चाहो तो खाकर देख लो, ये तुम्हारे लाए हुए पिज्जा से कई गुना अच्छा है। रोहन एक रोटी पिज्जा का टुकड़ा उठाकर खाता है। तभी उसका स्वाद उसे बहुत पसंद आता है। तभी रोहन सूरज से, अरे हाँ सूरज ये रोटी पिज्जा तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, मैंने तुम्हारा अपमान किया और तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, मुझे माफ कर दो। अरे रोहन तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। ऐसा कहकर सूरज और रोहन दोस्त बन गए। अगले ही दिन से
सुधा अपने रेडी पर रोटियों के साथ साथ रोटी पिज्जा भी बनाकर बेचने लगी। सभी लोगों को रोटी पिज्जा बहुत अच्छा लगने लगा। लोग लाइन में खड़े होकर सुधा का बनाया रोटी पिज्जा खाने लगे। बहुत ही जल्दी वो पिज्जा सेंटर बंद हो गया और सुधा का रोटी पिज्जा बहुत फेमस हो गया। ये देख पिज्जा सेंटर का मालिक रविंद्र सुधा के पास आकर उससे एक रोटी पिज्जा खाता है और सुधा से, तुम्हारे इस रोटी पिज्जा से मेरा पिज्जे का दुकान बंद हुआ है। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर जब मैंने तुम्हारा रोटी पिज्जा खाकर देखा तो मेरा सारा गुस्सा चला गया। सच में ये रोटी पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट है। वैसे मेरा पिज्जा का दुकान तो अब बंद हो गया है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरे दुकान में ही अपने पिज्जे का दुकान लगा दो और मुझे तुम्हारे व्यापार में से थोड़ा हिस्सा दे देना। बाकी मार्केटिंग का काम मैं देख लूंगा। रविंद्र की बातें सुन सुधा बहुत खुश हो गई और झट से मान गई। ऐसे ही दिन ब दिन सुधा का रोटी पिज्जा बहुत मशहूर हुआ। स्वाद के साथ साथ मार्केटिंग अच्छा रहने के कारण बहुत कम समय में ही उसका पिज्जा का व्यवसाय बहुत बढ़ गया। उन्होंने बहुत पैसे कमाए और वो कुछ ही दिनों में अमीर बन गए। अब सुधा ने झोपड़ी की जगह एक अच्छा घर बनाया और बच्चों के साथ सुधा खुशी खुशी रहने लगी। उसका रोटी पिज्जा लोग बड़े चाव से खाने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में बुरा समय तथा अच्छा समय हर किसी का आता है, लेकिन उससे हमें अपना संयम तथा विवेकशीलता नहीं खोनी चाहिए और अपने मेहनत के दम पर हर नामुमकिन काम मुमकिन करने का प्रयास करना चाहिए।